आपके पास एक एमपैक 4 सेट बॉक्स है और आपके पास एक मॉनिटर है, तो आप कैसे ये दोनों को एक साथ चला सकते हैं? मेनली यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है गाइस, आपको यहाँ पे साउंड सिस्टम की दिक्कत आती है, क्योंकि ज़्यादातर मॉनिटर के अंदर आपको साउंड सिस्टम इनबिल्ट नहीं मिलते हैं। तो अगर आप अलग से कोई साउंड सिस्टम लगाना चाहते हो तो आप कैसे लगा पाओगे, उसके बारे में भी हम इस वीडियो पर पूरी जानकारी देंगे। और इसके लिए हम एक साउंड सिस्टम ऑलरेडी ला के रखे है। ओके, तो अगर आपको मॉनिटर के साथ टीवी देखना है, कंप्यूटर भी चलाना है, लेकिन अगर आपके पास एक मॉनिटर पड़ा हुआ है तो आप उस पर टीवी चला के देखना चाहते हैं, और फ्री डीटीएच की जो सेटअप बॉक्स आते हैं गाइस, वो फ्री डीटीएच के सेटअप बॉक्स के साथ ही आप वो कर पाएंगे, और साउंड एक अच्छी क्वालिटी की साउंड सिस्टम आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, और ये साउंड सिस्टम आप आपके पीसी पे भी यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो अगर आपके पास पीसी है तो ये साउंड सिस्टम आपकी पीसी पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा और आपकी सेट टॉप बॉक्स के साथ भी वर्क करेगा। तो आप इस वीडियो एंड तक देखते रहिएगा, सारा कुछ आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो गाइस यहाँ पे ये जो अडेप्टर आए हैं, ये हमारी मॉनिटर की अडेप्टर आए हैं, तो हम इसको प्लग इन कर देते हैं। तो मॉनिटर यहाँ पे प्लग इन हो चुका है, लाइन यहाँ पे आ चुका है, और ये है HDMI जो हमारी मॉनिटर के पीछे यहाँ पे लगा हुआ है। आपके पास VGA पोर्ट है तो भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बारे में हम वीडियो बना के रखे हैं, जल्दी YouTube पे आ जाएगी। ओके, तो ये है गाइस HDMI पोर्ट, और आज की डेट पे MPEG 4 सेट टॉप बॉक्स अगर आप खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसको इनबिल्ट कर देते हैं। तो ये हो गया HDMI इंस्टॉल यहाँ पे। ओके, तो इसके बाद हमें यहाँ पे जो DTH की लाइन है गाइस, उसको DTH की लाइन यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये हमारे DTH की कनेक्ट आए हैं RG6 केबल, इसको हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ये हो गया हमारी केबल कनेक्शन, और यहाँ पे हमें पावर देना होगा सेट टॉप बॉक्स के लिए। तो ये रहा इसके अडेप्टर, इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हो बूट हो रहा है सेट टॉप बॉक्स। ओके, तो गाइस ये सेट टॉप बॉक्स हो चुका है बूट। तो गाइस यहाँ पे सारा कुछ बहुत आसानी से हो गया है, और इस बार हमें यहाँ पे इनबिल्ट करना है, इंस्टॉल करना है साउंड सिस्टम। तो हम आपके सामने लाते हैं, थोड़ा सा कैमरा को नीचा कर देते हैं, बस वहाँ पे आप देख सकते हो मॉनिटर चल रहा है, सब कुछ ओके है, लेकिन साउंड नहीं है। ओके, यह मॉनिटर के साथ इनबिल्ट साउंड सिस्टम नहीं है, हमें यहाँ पे एक्सटर्नल एक साउंड सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमने लाए हैं ये एक छोटा सा दो स्पीकर। तो गाइस दो स्पीकर यहाँ पे जाए हैं, पहले मैंने इसको खोल के दिखा है, चेक कर लिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो गाइस ये आपको मार्केट पे 250 रुपये के आसपास मिल जाएगा। ओके, 250 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख के लेना है, एक USB पोर्ट मिलेगा जो पावर देने के लिए, इस स्पीकर को भी पावर देना होगा। तो इसके लिए ये 5 वोल्ट USB यहाँ पे, और ये आपको 3.5 mm जो ऑडियो जैक होता है गाइस, वो यहाँ पे आपको कनेक्शन मिल रहा है, और इसके अंदर दो छोटा स्पीकर है। तो गाइस ये छोटा स्पीकर है, छोटा, तो आप छोटे लेंगे तो आपको देख साउंड प्रॉपर मिल जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस ये रहा छोटा सा एक सेटअप बॉक्स, ये रहा छोटा दो स्पीकर। ओके, ये साउंड सिस्टम के लिए जो कनेक्शन है वो हमें सेटअप बॉक्स के साथ अटैच करना है। तो कैसे कर रहा है आप देख लीजिए, ये सेटअप के पीछे आप देखो यहाँ पे एक 3.5 mm की जैक है, जैक कनेक्शन है। ओके, ये आप देख सकते हो 3.5 mm जैक यहाँ पे आपको इनबिल्ट होगा सो साउंड के लिए, और 5 वोल्ट आपको देना होगा इसके लिए। हम आप अडेप्टर भी यूज़ कर सकते हो, तो हम सेटअप बॉक्स से ही पावर दे रहा है। तो यहाँ पे जो USB आया है गाइस, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल जाएगा, और ये जो गाइस 3.5 mm जैक है, इसको हम इसके अंदर यहाँ पे, ये आप देख सकते हो साउंड यहाँ पे ऑलरेडी ये आ चुका है, और
ओके, मैं इसको एक बार अच्छे से बिठा देता हूँ यहाँ पे, बस ये हो गया। तो गाइस ये हमारी सेटअप के ऊपर ये साउंड सिस्टम बैठ गया है, और हम यहाँ पे जितना जोर देंगे यहाँ पे आपको साउंड सुनाई देगा। तो आप देख सकते हो साउंड यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है, सिर्फ यही नहीं सारे चैनल पे यहाँ पे आपको साउंड प्रॉपर देखने को मिल जाए। मुझे जरा स्कूल तक ड्रॉप कर दोगे प्लीज, हमारे घर से स्कूल जाने। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा क्लियर साउंड है यहाँ पे। तो हम साउंड का थोड़ा सा रुकते हैं। तो गाइस ये रहा हमारी मेन एक बहुत ही छोटा सा एक मॉनिटर जिसको हमने टीवी पे कन्वर्ट किया है, और ये बहुत कम प्राइस पे। ओके, ये सेटअप की कीमत आपको आएगा 800 से 900 रुपीज़। ओके, और ये जो साउंड सिस्टम है इसके लिए आपको 250 से 300 के अंदर ही मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको जो टोटल खर्चा आएगा भाई गाइस बहुत कम। और ये जो DTH कनेक्शन है, DD FreeDish की कनेक्शन है, जहाँ पे आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। तो आप आसानी से आपकी कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर के साथ साथ आपके मॉनिटर और कंप्यूटर PC की जो साउंड सिस्टम, ये आपकी PC पे आसानी से चल जाता है। ओके, तो इसको यूज़ करके आप TV भी देख सकते हो, साउंड भी सुन सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एक अच्छा आप जुगाड़ है। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो बहुत आसानी से। ओके, इसका प्रमाण है शिक्षा, आप देख सकते हो साउंड कैसा चल रहा है। ओके, तो गाइस थैंक यू आज की वीडियो पे। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपकी मन में कोई क्वेश्चन रहेगा तो गाइस ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी जो आंसर है वो देने की ट्राई करेंगे। थैंक यू गाइस।